आइए अब बात कर लेते हैं लेनोवो K3 नोट के सार वैल्यूज़ की। स्पेसिफिकली इसके सार रेटिंग की बात करने से पहले आइए आपको बताते हैं कि सार रेटिंग एक्चुअली है क्या चीज़, और आपको थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप इस पेज में देख सकते हैं, सार का मतलब होता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट। ये एक तरह की एक रेडिएशन होता है, यानी कि एक एनर्जी होती है जो कि ह्यूमन बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। कुछ इसे रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह समझ सकते हैं। इस तरह से ये एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें दो तरह का होता है, एक तो हेड के पास में और दूसरा होता है बॉडी के पास में। तो जैसा कि इस फ़ोन के लिए बताया गया है कि इसकी जो हेड की वैल्यू है वो 1.590, यानी कि जो लिमिट है इंडियन गवर्नमेंट ने और US गवर्नमेंट ने, FCC ने जो इसकी लिमिट सेट की है 1.6, उससे सिर्फ 0.01 ही कम है। और जो इसकी बॉडी का है मतलब वो है 0.688 वाट वेट पर केजी की जो है वो लिमिट है 1 ग्राम के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं कि ये इफ़ेक्ट क्या करती है। अगर इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो आप ये देखिए, एक हम आपको और पेज दिखा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रेटिंग सार टेस्टिंग। ये हमने विकिपीडिया से लिया है। इसमें आप देख सकते हैं तीन तरह के स्टैंडर्ड हैं। पहला जो स्टैंडर्ड है वो यूनाइटेड स्टेट का स्टैंडर्ड है, जिसमें FCC ने ये मैंडेटरी किया है कि जो उसकी लिमिट है 1.6 वाट से कम होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, वहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 वाट पर केजी, यानी कि 1.6 से भी थोड़ी ज़्यादा है। पहले इंडिया EU एंड यूरोपियन की जो थी वही यूज़ करता था रेटिंग्स को, लेकिन बाद में उन्होंने US में शिफ्ट कर दिया इसे। और साल 2012 या 13 से सार वैल्यूज़ को मैंडेटरी कर दिया है। जो भी इंडिया में फ़ोन आएगा, इंडिया के लिए बनेगा, उसकी जो है उसको सार वैल्यूज़ की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे नीचे होना चाहिए। और अगर मैं लिनोवो के फ़ोन्स की बात करूँ तो उनके फ़ोन्स की लगभग सार रेटिंग जो सभी की हाई होती है। लिनोवो K3 नोट की जो है 1.590 है। अगर A7000 की बात करूँ तो उसकी भी 1.4 के लगभग है, और A6000 का मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन उसकी भी मुझे लगता है ज़्यादा ही होगी। अब बात करते हैं कि ये आपको किस तरह से और कितना इफ़ेक्ट कर सकती है। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे हैं मुझसे कि सार रेटिंग बहुत ज़्यादा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम मैं सिर्फ वाईफाई यूज़ करता हूँ तो उस पर क्या होगा, अगर मैं कॉल 1-2 मिनट ही लेता हूँ तो वो सब। तो इसको मैं 2-3 सिनेरियो में समझाने की कोशिश करूँगा। पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर आप बहुत कॉल करते हैं और अगर आपका मन आ गया है कि आपको ये फ़ोन लेना ही लेना है, तो आप इस फ़ोन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, यानी कि आप दिन में 2 से 3 घंटे बात करते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 6 से 7 घंटे भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ फ़ोन पे ही काम करते हैं, इनका फ़ोन पे काम होता है, तो उनके लिए यही है कि आप ईयरफोन यूज़ कीजिए, जिसकी वायर्ड ईयरफोन यूज़ कीजिएगा, ब्लूटूथ पे मत जाइएगा। क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ पे जाएंगे तो उसमें फिर से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लूटूथ भी उसमें एक रेडिएशन करता है। तो अगर आप ईयरफोन यूज़ करते हैं और आप सिटिंग जॉब करते हैं, तो अच्छा है आप ईयरफोन लगाइए और फ़ोन को अपने से 1 या 2 फुट दूर रखिए। तो जो सार की रेटिंग है, अगर आपके हेड में 1.6 होती है, तो वो आपके दूर रखने 0.012 या 0.02 हो जाएगी, तो काफ़ी कम हो जाएगी। इस तरह से आप अगर लंबी बात करते हैं, यानी 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप बात करते हैं हेड में लगा के, यानी कान के पास लगा के बात करते हैं, तो मेरी ये सलाह है कि आप उसे दूर रखिए, अपने टेबल फ़ोन या डेस्क पे दूर रखिए, और उसके बाद ही आप बात कीजिए। दूसरी बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सिर्फ कॉलिंग 10 से 15 मिनट या पूरे दिन में ही आधा घंटा मैक्सिमम बात करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा वाईफाई या डेटा कनेक्शन यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी यही कहूँगा मैं कि आप फ़ोन को दूर रखिए यूज़ किए। अगर हाथ में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे दूर रखिए, अपने दिल के आसपास में फ़ोन को मत रखिए। यानी कि अगर आप लेट कर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा और दूर रखिए, अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो आप उसे दूर रखिए, अपने हाथ जितना आप दूर रख सकें उस हिसाब से। अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो भी फ़ोन को कम से कम 2 फुट की दूरी पर रखिए और वीडियो वॉच कीजिए। गेमिंग करते हैं सेम, उसमें भी यही बात होगी कि आप उसे दूर रखिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बताया 2 सिनेरियो, अगर आपका मन आ गया है और आप चाहते हैं कि फ़ोन लेना है, कॉलिंग आपका मेन पर्पज़ नहीं है, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इसके साथ में ईयरफोन यूज़ करें। आप अलग से कोई भी अच्छी कंपनी का ईयरफोन ख़रीद सकते हैं जो कि ड्यूरेबल हो, अच्छी साउंड क्वालिटी अच्छी हो और आपके सिर में दर्द ना हो। कुछ ऐसे भी आते हैं चीप चाइनीज़ क्वालिटी के या घटिया कंपनी के, जिनका जो होता है सिर में दर्द होने लग जाता है अगर आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं। तो मैं सलाह दूंगा आप सोनी के ईयरफोन यूज़ कीजिए, या फिर आप JBL का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। JBL का T150A, T200A और JBL का T100A, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये तीन तरह के हैंडसेट हैं जिसमें माइक भी अवेलेबल मिलता है आपको, तो कॉलिंग के लिए आप वो अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं।
और दूसरे लोग जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस समझते हैं या मानते हैं कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, बिल्कुल ये डेंजरस है, मैं भी मानता हूँ इसको। तो अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं और दूसरे फ़ोन जो कि कम रेटिंग वाले हैं उन पे जा सकते हैं। अगर आप सेफ़र साइड ऐसा कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप ऐसा फ़ोन चुनिए जिसकी जो हेड में जो रेटिंग्स है वो 0.5 से कम हो, या लगभग 0.6 हो या 0.6 से कम हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कुछ फ़ोन्स की सार रेटिंग्स और निकाली है जिसमें मुझे मैंने ये पाया है कि अगर मैं बात करूं डिज़ायर HTC के डिज़ायर एक्स फोन्स की, तो उनकी भी जो सार रेटिंग है 1.59 है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है सार के ऊपर गूगल पे और काफ़ी विकी पेजेस पे और ब्लॉग पेजेस में, तो मुझे लगा है कि और भी काफ़ी फोन्स हैं इनकी सार रेटिंग काफ़ी अच्छी है। अगर नोकिया लूमिया 630 की बात करें तो उसकी भी जो रेटिंग है 1.53 है। और हमारा जो एक और जो खास फ़ोन है, सस्ता फ़ोन है, शाओमी का जो रेडमी 1S है, उसकी जो रेटिंग है वो भी लगभग 1.32 है। तो रेटिंग काफ़ी उसकी हाई है, तो आप समझ सकते हैं कितना है। एक जने ने मुझे कहा कि आईफोन आईफोन में भी इतनी रेटिंग होती है, हालांकि मैंने भी आईफोन की रेटिंग्स को चेक किया है तो आ रहा है आईफोन की जो रेटिंग है 1.1 के लगभग में है, 1.1 से ज़्यादा नहीं है। हालांकि 1 के ऊपर जितना भी है वो सभी हाई है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी हेल्थ को उसमें कंसिडर करते हैं फ़ोन करने के लिए। जब फ़ोन का इन्वेंशन हुआ था तो फ़ोन को एक अपने सिक्योरिटी फीचर की तरह माना गया था कि हाँ, अगर फ़ोन है आपके पास तो कहीं भी आपको कोई चिंता नहीं है, आप दुनिया से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सार के ऊपर मेरा ओवरव्यू है। जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा है तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि सार की जो रेटिंग है वो परमिटेड लेवल से कम है। अगर यूएस गवर्नमेंट ने 1.6 दी है, यानी कि अगर इसका मतलब कि अगर फ़ोन की रेटिंग 1.6 है तो भी वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना वो 2 के ऊपर पहुंचा सकती है। 1.6 अगर रेटिंग दी है FCC ने और इंडिया ने और US ने उसको अपने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से इसको एनफोर्स करवाया है, तो ये लिमिट फ़ोन को या आपकी हेल्थ को ज़्यादा इशू नहीं दे सकती। आप इसको हम बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा कितना कम, क्योंकि ये बताया नहीं गया है कि कितने लेवल पे क्या हो सकता है। जो रेटिंग बोली जाती है वो बोली जाती है 1.6 वॉट पर किलोग्राम पर 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम पे 1.6 इस तरह की कुछ रेटिंग बताई जाती है। तो हम बता नहीं सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितना इफेक्ट करेगी और कितना नहीं करेगी। तो इस पर भी जो है क्या कहते हैं डिस्कशन जारी है दुनिया में, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, किस तरह से क्या यूज़ करें और क्या ना करें। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको सबको बताने के लिए कि सार की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन भी लोगों ने सार के बारे में, सार वैल्यूज़ के बारे में लिनोवो के नेट के सवाल पूछा था, मैं उनका जवाब देने में सक्षम रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, हालांकि ये ऑडियो ज़्यादा है, वीडियो इसमें कम है, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई सवाल हो सार रेटिंग्स के बारे में तो आप ज़रूर से मुझे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको आपको जवाब देने की। ये वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।